लेलिन का मैनेजमेंट 5 मिनट बाद आपके चैनल पे यहाँ आएंगे, और जैसा कि वामाक्षी बता रही हैं कि कमेंट्री बहुत अच्छी दी है, मार्केट शेयर गेन किया है और सीएलएसए ने इसका टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। इससे पहले कि हम मैनेजमेंट से जुड़ सकें, 5 ही मिनट में आते होंगे 8:30 बजे, आप एक बार आपसे इस पे व्यू लेना चाहेंगे। अशोक लेलिन का चार्ट लेके आइए लास्ट 1-1.5 साल का, आपको दिखाई देगा कि क्योंकि सीवी में लीडर है, ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप दिया, उसके बाद साइडवेज गया। क्या अब इस तरह की परफॉर्मेंस और नंबर्स के बाद ये नेक्स्ट लेग और रैली के लिए तैयार हो रहा है? और अगर हो रहा है तो क्या 180 के लेवल्स, 160, 70, 80 के लेवल्स एक बार आ सकते हैं? ये देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें 160 के आसपास रेजिस्टेंस आ गया था, वहां से करेक्टिव फेज में चला गया। संतोष, लेलिन के चार्ट देख के बताएं और पोजिशनली बताएं यहाँ पे क्या ट्रेड बन रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो एक बहुत अच्छे रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चले गया है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये नीचे की और बात करें तो 142 से 138 का जो रेंज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो मुझे लगता नहीं ये 138 के नीचे जाएगा। तो ये जो मिल रहा है 145 से 140 के रेंज में, तो यहाँ धीरे धीरे एक्युमुलेट करना चाहिए। स्टॉक जैसे ही 154 रुपये पर, 155 रुपये के ऊपर निकलेगा, फिर से इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर से शायद 170 180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, स्टॉक को डेफिनेटली इस कंसोलिडेशन में ऐड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 135। ठीक है, 135 के यहाँ पर टारगेट्स, इनफैक्ट 147 के लेवल्स पर। अशोक लेलैंड की अगर बात करें, पहली बार कोविड के बाद हम देख रहे हैं मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 6% के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आइए मैनेजमेंट से बस थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इस बीच कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। जोमैटो, कुछ इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि आप लगातार ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स हम देख भी रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स की अगर बात करें, जेफरीज ने जोमैटो पर ऑलमोस्ट 100 के टारगेट्स दिए हैं, ब्लिंकिट का ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है, और इसके अलावा मैनेजमेंट ने स्ट्रॉन्ग आउटलुक भी प्रेजेंट किया था, और इसी के चलते हम अगर देखें फूड डिलीवरी में गाइडेंस जो है ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के लेवल्स पर पहुंचती हुई 72 के स्तरों पर ऑलमोस्ट 14% की बढ़त शुक्रवार को जोमैटो के स्टॉक ने दिखाई थी। जी हाँ मानसी, एंड यहाँ जो फंडामेंटल न्यूज आई है वो टेक्निकल अपमूव के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली कोइंसाइड हो रही है। मैं दो दो फैक्टर्स क्विकली बताता हूँ। पहला ये कि 71.50, 72 के जो जोन्स थे, इस लेवल के आसपास जून में स्टॉक ने हाई बनाया था, इनके आसपास रेजिस्टेंस लिया था और वहां से डिप हुआ था, और 69 के आसपास इस स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा था। फ्राइडे की जो मूव आई है दैट हैज बीन अ वेरी ब्यूटिफुली वॉल्यूम बैक्ड मूव, जहां पे हमने अच्छा खासा जंप देखा है और स्टॉक ने इन दोनों ही लेवल्स को क्रॉस करके उसके ऊपर काफी कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है। सो मैं कहूंगा यहां से इसका जो मोमेंटम है ये और तेज हो सकता है। स्टॉक में हमने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्पर्ट ये राउंड हमने 2 से 3 बार देखे हैं। अब हम एक अच्छा खासा अपमूव स्टॉक में आते हुए देख रहे हैं। यहां से आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। जो पहला टारगेट है वो सीधा 80 का निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप बाय करें तो 69 के जो लेवल्स मैंने बताए वो आपके लिए ऐसा स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। तो अच्छे अपमूव के बाद भी स्टॉक का जो पे ऑफ रेशियो है आपके लिए काफी फेवरेबल है, एंड मोमेंटम सीम्स टू बी रिटर्निंग इन द स्टॉक राइट नाउ। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव, यहां से भी आप बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जोमैटो पर तो बुलिश व्यू निकल कर आ रहा है और 100 तक के टारगेट है। रिपोर्ट्स पहले भी, हमने रिजल्ट से पहले लास्ट क्वार्टर पे जब आई थी तब भी काफी मोमेंटम बिल्टअप हुआ था स्टॉक पर, इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म ने कई सारी रिपोर्ट्स भी दी थी, और अब फिर से नंबर्स के बाद जब पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है कॉमेंट्री में और नंबर्स में ब्रेक इवन की बात की जा रही है, तो इसको देखकर बुलिश सेंटिमेंट जोमैटो पे देख रहा है।